अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो तुम? जी मैं दुखों की मारी हूँ। मेरे माँ बाप मर गए हैं। अगर मुझे कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाए तो मैं आप दोनों का एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे क्या कर रहे हो, आओ मेरे साथ। रखोगे कहाँ? इतना बड़ा क्वार्टर है, कहीं भी रख लेंगे। अगर साहब को पता चल जाएगा तो नौकरी से निकाल लेगा। तो मैं बोल दूंगा ना, मेरे रिश्तेदार है, गांव से आई है। अभी क्या चक्कर चला रहे हो? हाँ हाँ, कुछ देर बाद तो भी आ जाना, समझ गया ना? हाँ हाँ, मैं समझ गया हूँ। साहब तो गए छांगे मांगे, मैं भी चलूँ साथ। हाँ आ जा, लेकिन दरवाजे के पीछे खड़े हो जा। आ जाए, मैं आपको क्वार्टर दिखाता हूँ। शाम में साहब आ जाएंगे तो मैं मिलवा दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। जाए, इसको अपना ही घर समझे। क्या दुश्मनी थी आप लोगों की मुस्कान से? एक वो नागन थी जो इंसान के रूप में वेली में रह रही थी। अच्छा, तो क्या कभी उसने आप लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की? नहीं। तो फिर क्यों मारा उसे, क्यों मारा उसे गोलियां मार के? कौन हो तुम? मैं वही बदनसीब नागिन मुस्कान, जिसे तुम लोगों ने अपनी 2% की नौकरी के खातिर मार डाला। हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। जो माफ नहीं करते, माफी उनके लिए नहीं होती। मेरे छोटे छोटे बच्चे और बूढ़े माँ बाप भी। मेरा बाप भी बूढ़ा था, क्या मुझे मारते हुए ख्याल नहीं आया कि उसका क्या होगा? आखिर इंसान हो, मरते वक्त भी मुनाफ़कत नहीं भूले। एक तरफ मुझसे माफी मांग रहे हैं और दूसरी तरफ मुझे फिर से गोली मारना चाह। वॉचमैन का फोन। हेलो 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 वॉचमैन, हेलो वॉचमैन, हेलो हेलो वॉचमैन, हेलो वॉचमैन। मुस्कान जिंदा कैसे हो सकती है? मर गए सारे वॉच पे। तारीख का नंबर ये रहा। जी साहब, तारे वॉचमैन कहाँ है सारे? मेरी ड्यूटी तो साहब दूसरे गेट पे है। मैं कुछ देर पहले आया था, गेट खुला था, मेरा ख्याल बाहर ना हो, मैंने देखा तो नहीं थे, क्वार्टर पे ना हो सर। अरे वो कहाँ जा सकते हैं, उनके क्वार्टर का नंबर क्या है? 8 सर। ठीक है, तुम पहुँचो वहाँ पर, मैं भी आ रहा हूँ, जल्दी करो।
दरवाजा खोलो, मैंने कहा दरवाजा खोलो। तारे जी साहब, लगता है दरवाजा अंदर से लॉक है। क्या करें साहब, तोड़ना पड़ेगा। चला इन्हें क्या हुआ है? उठ, लगता है साहब ये मर गए। हाँ तारे, ये कैसे हो सकता है? हवेली में कौन आया था? पता नहीं साहब, मैं तो दो नंबर गेट पे था। तारे मैं एक नंबर के काम करो तुम सारे, चल मेरे साथ। जंगल तो शुरू हो गया है, और कितनी दूर है कैदुपुर जी का डेरा? अरे अभी तो उसे जंगल में तलाश भी करना है, और तुम अभी से थक गई हो। नहीं नहीं, मैं थकी तो नहीं हूँ, बस एंजाइटी हो रही है कि जल्द से जल्द उसे मिलना चाहती हूँ। फिक्र ना करो, हम उसे जल्दी तलाश करेंगे। यहाँ तो दूर दूर कोई नजर नहीं आ रहा, आप इस चौक में रोके। कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ अभी तक तो कोई बंदर नजर नहीं आ रहा। एक मिनट, लगता है कोई आ रहा है। एक मिनट भाई साहब। भाई साहब, कैदो खोजी का पता बता सकते हैं? पागल लगते हो। इससे पूछे। एक मिनट पूछता हूँ। भाई साहब, यहाँ जंगल में कैदो खोजी रहता है, उसका अता पता मालूम हो सकता? भाई साहब, हेलो, क्या हो गया इन सबको? मालूम नहीं, जिससे भी उस कैदो खोजी का पूछो वो चौंक क्यों जाता है। किस दुनिया में आ गए हैं? आरफा, एक तो तुम भी हर बात नेगेटिव सोचती हो सकता है वो कोई बुरी शोहरत वाला हो, कोई बदमाश हो। ऐसा बंदा हमारा काम करेगा क्या? ऐसा बंदा ही तो हमारा काम करेगा। पैसा फेंको, तमाशा देखो। अच्छा
इश्फाक, वो सामने एक लड़का आ रहा है, उससे पूछते हैं। हाँ, आओ तुम भी आओ। लगता है किसी अपने की तलाश में आए हैं। देखो बरखुरदार, हम कैदो खोजी को ढूंढ रहे हैं, उसका कोई पता मालूम है तुम्हें? हाँ, कैदो खोजी का पता बता सकते हो? कैदो खोजी का पता तो यहाँ पर किसी को पता नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है जंगल के अंदर 10 किलोमीटर दूर गोल्डन खान का डेरा है, वहाँ पे कैदो खोजी का आना जाना लगा रहता है, आप लोग वहाँ चक्कर लगा ले। कैसा बंदा? पेशे और तबीयत का कसाई है। मतलब काम नहीं करेगा? साहब जी, पैसे दें तो सब काम हो जाते हैं। आप गोल्डन खान को पैसे दें, वो खोजी को फौरन से आपके पास ले आएगा। मेरा ख्याल है रास्ता काफ़ी लंबा है और अंधेरा भी होने वाला है, आप लोग फौरन निकल जाएं। हाँ, शुक्रिया। शुक्र है कोई ढंग का बंदा तो मिला जिसने कोई रास्ता बताया। अब देखते हैं कि ये खान क्या बला है। दूध पियो, बिल्कुल खालिश दूध है। बड़ा अजीब वक्त आ गया, मददगार को ऐसे घूर के देखा जाता है जैसे कोई लुटेरा या डाकू। सुनो क्या होता है, जग्गू नाम है मेरा, वही पुकारे। दूध के लिए शुक्रिया जग्गू। देखा, आपने जग्गू बोला, मैं अच्छा लगा। काफी दिलचस्प इंसान हूँ। और आप भी काफी खूबसूरत, बिल्कुल मुस्कान की तरह। वो मुस्कान कौन? मेरा मतलब आपकी मुस्कुराहट। शुक्रिया, मैं चलती हूँ। मैं कुछ लगता है ज्यादा तो नहीं बोल गया? शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ।
लगता है उन लोगों को किसी बहुत जहरीली नागन ने घसा। एक बात बताइए, आप डॉक्टर हैं या फिर सपेरे? वैसे तो मैं डॉक्टर हूं, लेकिन शाम का डसा बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेता हूं, और ये काम किसी आम नागिन का नहीं। चलिए, जिसका भी काम है छोड़िए, तुम मेरी बात सुनो तारे। यहाँ पे आप देखो, लाशों को ठिकाने लगाओ, और याद रहे इस बात का जिक्र तुम किसी से नहीं करोगे। आप फिक्र ना करें सर, ये राज राज रहे। शाबाश, वेरी गुड। आप लोग पुलिस को इतला क्यों नहीं करते? पुलिस? अरे डॉक्टर साहब, आप यहाँ के थानेदार को नहीं जानते, एक नंबर का जलील और कमीना आदमी है। बेकार में आपको और मुझको दोनों को थाने ले जाएंगे। मुझे क्यों? अरे दिहाड़ी के चक्कर में डॉक्टर साहब, दिहाड़ी के चक्कर में। तो ठीक है, फिर आप पुलिस को इतला नहीं करें। बिल्कुल ठीक है। और सुन, तुम तारे मेरी बात सुनो, जाओ लाशों को ठिकाने लगाओ और मुझे अपडेट करो। ओके सर। जाओ, निकलो यहाँ से। आइए डॉक्टर साहब, आप और हम भी चलते हैं, बैठ कर चाय पीते हैं। आइए। मैं कहाँ हूँ? तुम बेहोश हो गई थी, मैं तुम्हें उठा के इधर ले आया। वैसे एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो। तुम कौन हो और जंगल में क्या कर रही? नागिन। अच्छा, मैं सवाल वापस लेता हूँ। नहीं नहीं, दरअसल मेरी कहानी बहुत अजीबोगरीब है। वो जो शख्स है जिसे तुमने तोपखान के डेरे का रास्ता बताया था, वो मेरे सास ससुर है। अरे सास ससुर? मैंने कहा ना, मेरी कहानी बहुत अजीब है। उनका एक बेटा है रायान, उसने मुझसे छुपकर शादी की, इसलिए ये लोग नहीं जानते कि मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, तो अब समझ आई। लेकिन एक बात बताओ, तुम लोग इस जंगल में क्या कर रहे हो? मेरी नंद है महक, वो चंद महीनों पहले गायब हो गई थी। पुलिस ने बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली, और अब कुछ दिन पहले मेरा शौहर रायान भी कहीं गायब हो गया है। किसी ने इनसे कहा है कि कैदो खोजी के पास जाए, वो बता सकता है, और मैं उनके पीछे पीछे यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो इसका मतलब तुम उनकी मदद के लिए इधर आई हो? हाँ, शायद उनकी मदद करने से उनके दिल में मेरे लिए जगह बन जाए, और जब महक और रायान वापस आ जाएंगे तो शायद मेरी सास मुझे अपना ले। ये तो बहुत अच्छा हो अगर तुम्हारी सास तुम्हें बहू के रूप में अपना ले। मगर अफसोस इस बात का है कि मैं यहाँ बेहोश हो गई, और वो लोग पता नहीं कहाँ तोपखान के डेरे पर। तुम फिक्र ना करो, नाम क्या बताया तुमने? माया। माया, तुम फिक्र ना करो, मैं इसी जंगल में पला बढ़ा, एक एक रास्ते से वाकिफ हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी सास और ससुर से पहले पहुंचा दूंगा। सच? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हारा ये एहसान पूरी जिंदगी नहीं भूलूंगी। तुम चलो मेरे साथ। चलो। Oh,
गाड़ी बुरी तरह फंस चुकी है अरफा, बहुत मुश्किल है इसका निकलना, बगैर किसी की मदद के नहीं हो सकता ये। तो आप कॉल करें, किसी को मदद के लिए बुलाएं। क्या हुआ, कॉल नहीं लगी? नहीं, सिग्नल्स नहीं है और रब्ता बहुत मुश्किल है। अब क्या करें, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जंगल इतना बड़ा है और दूर दूर तक कोई लाइट नजर नहीं आ रही। और गॉड से गारफा, गाड़ी पहले फंस चुकी है, ऊपर से तुम परेशानी वाली बातें शुरू कर देती हो। तो क्या बातें करूं, बताएं आप, जंगल है, जंगल में जंगली जानवरों के अलावा भूत भी होते हैं। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी तुमने बुरा मुंह से निकाला ना, मैं देखता हूँ, मदद तलाश करता हूँ, बल्कि कोशिश करता हूँ इसको स्टार्ट करने की। सलमान, मुस्कान नजर नहीं आ रही। मुस्कान, आप क्यों पूछ रहे हैं मुस्कान के बारे में? चाय, चाय पीने को दिल कर रहा था। बात दरअसल यह है कि मुस्कान के अब्बा की तबीयत थोड़ी खराब थी, दिल का दौरा आया था शायद उन्हें। दिल का दौरा? हाँ, दिल का दौरा। बेचारी बहुत रोती हुई अपने घर गई है। बहुत अफसोस हुआ। अफसोस तो मुझे भी बहुत हुआ जनाब, लेकिन इस बात का कि आपने बिला वजह मेरे सास ससुर को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है और वो भी बेचारे लग गए। मैंने उन्हें ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाया, बल्कि सीधे रास्ते के पीछे लगाया। जब कैदो खोजी मिल जाएगा तो महक खुद ब खुद मिल जाएगी। अरे क्यों हाथ धोकर मेरे सुकून के पीछे पड़ गए आप दिलबर साहब, क्यों डिस्टर्ब करना चाहते हैं मेरी लाइफ को? महक के मिलने से आपकी लाइफ बेसकून हो जाएगी। जी, एग्जैक्टली। वैसे मुस्कान कब तक आएगी? फिर से मुस्कान का पूछ रहे हैं आप, खैरियत तो है? वैसे ही उसके अब्बा का सुनकर बहुत परेशानी हो रही थी। अरे आप बिला वजह की परेशानी मत पालिए, टेंशन फ्री रहिए। एक्चुअली आप बैठिए, मैं आपके लिए कप चाय का बना सकती हूँ। Just relax. एक ही मौका मिला था मुस्कान के दिल में जगह बनाने का, कम वक्त। अब्बा जी, नहीं अरफा, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा, कोई बंदा नहीं है यहाँ पर। लगता है हमारी मौत हमें यहाँ खींच के लाई है, अब हम नहीं बचेंगे। क्या अरफा, एक मिनट अरफा, यहीं रुको, लगता है कोई चीज है। इश्फाक, आप उस तरफ ना जाएं,
कोई भूत हो सकता है, कोई जंगली जानवर हो सकता है। नहीं अरफा, ये कोई इंसान है। ये कौन है? मेरा ख्याल है ये वही लोग हैं जिनको मैंने सुबह रास्ता बताया। चलो अरे अरे तुम तो वही हो ना जो जिसने हमें खान के डेरे का रास्ता बताया था। जी साहब बिल्कुल ठीक बताना आपने। और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो और ये लड़की कौन है? जी मैं जग्गू की मंगेतर हूँ, खालाजाद। लेकिन आप लोग जंगल में इस वक्त? वो हमारी गाड़ी खड्डे में फंस चुकी है, निकल नहीं रही। बेटा तुम कुछ और लोगों को ला सकते हो जो इस गाड़ी को बाहर निकालने में हमारी मदद करें? कुछ और लोगों की क्या जरूरत है, मैं और जग्गू है ना। अरे नहीं नहीं, तुम लोग कमजोर से हो, तुम लोगों से नहीं होगा ये। आप स्टेयरिंग पर जाकर बैठिए, मैं और जग्गू कर लेंगे। हमने भी खालिस दूध और देसी घी खाया है, यकीन रखिए कर लेंगे। अरे कुछ और लोगों को बुला लेते तो बेहतर था। एनी हाउ एक ट्राई करके देख लेते हैं। गाड़ी बहुत बड़ी है, कुछ लोगों को बुला ही लेते हैं। तुम चलो तो सही, चलो हो जाएगा। बहुत शुक्रिया तुम दोनों का, तुमने हमारी बहुत मदद की। सर ये तो फर्ज था हमारा। अच्छा अब ये बता सकते हो कि वो डेरा और कितनी दूर रह गए हैं यहाँ से? जी साहब बस इसी रास्ते पे कुछ 6 किलोमीटर दूर। अच्छा थैंक यू वेरी मच। जग्गू मेरे ख्याल से हमें इनके पीछे जाना चाहिए। चलें फिर। मुस्कान तूने क्यों बना, तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे से, ये कैसे हो सकता?
वैसे बहुत खूबसूरत है मेरी, मेरा मतलब है तुम्हारी दीदी। और तुम्हारे घर वाले भी बुरे नहीं। कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? मेरा नाम सावन है।